नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मेरा राशन ऐप के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग एक राशन कार्ड होल्डर है, अगर आप लोग मेरा राशन ऐप यूज करते तो उसमें दोस्तों अब यहाँ पर नया अपडेट आ चुका है। अब आप जब मेरा राशन ऐप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉग इन करने का प्रोसेस आ जाता है। अब आप यहाँ पर बेनिफिशियरी यूजर में लॉग इन करना होगा। तो किस प्रकार से लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद कौन कौन सा सर्विस है, उस सर्विस को कैसे यूज करना है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहे, ये सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश, आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल जो बेल आइकन है उसे भी यहाँ पर ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा राशन कार्ड में यहाँ पर जो जब आप यहाँ पर मेरा राशन कार्ड इंस्टॉल करके ओपन करते तो इस तरह से आपका यहाँ पर ओपन होता था। अब दोस्तों ऐसा नहीं, अब दोस्तों इसमें नया अपडेट आ चुका है। तो अपडेट जानने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर आकर आपका जो यहाँ पर मेरा राशन ऐप है उसको आपको क्या करना है, इसको अपडेट कर देना। यहाँ पर देखते हैं मेरा राशन 2.0, यहाँ पर जो मेरा राशन 2.0 पोर्टल यहाँ पर ऐप लॉन्च हो चुका है। पहले ये मेरा राशन था, अब मेरा राशन 2.0 यहाँ पर हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर ओपन पर हम क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देख सकते हैं, इस तरह का आपको जो मेरा राशन ऐप था उसको यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर अपडेट कर दिया गया। आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस तरह से मेरा राशन शो करेगा। और यहाँ पर आपको लॉग इन में दो ऑप्शन शो करता है, बेनिफिशरी यूजर और डिपार्टमेंट यूजर। आप यहाँ पर डिपार्टमेंट यूजर आपको लॉग इन नहीं करना, जो यहाँ डिपार्टमेंट का आदमी होता है वही यहाँ पर क्लिक करके अपना लॉग इन करेंगे। अगर आप यहाँ पर एक बेनिफिशरी हैं, आप यहाँ पर अगर राशन कार्ड होल्डर हैं, राशन कार्ड के मेंबर हैं, तो आप एक बेनिफिशरी यूजर हैं, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक करके, बेनिफिशरी पे क्लिक करके अपना आधार नंबर डाल के एक कैप्चा डाल के आपको लॉग इन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर हम आधार नंबर डालते हैं और यहाँ पर लॉग इन विथ ओटीपी क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आधार नंबर फिलअप कर दिए, जो यहाँ पर फिर आपको कैप्चा शो कर, आपको क्या करना है इस कैप्चा को आपको सही से फिलअप करना है। तो यहाँ पर देखते हम यहाँ पर कैप्चा भी फिलअप करते हैं, फिर लॉग इन विथ ओटीपी क्लिक करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर नॉट फाउंड, यहाँ पर अभी नॉट फाउंड बता रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बेनिफिशियरी यूजर है तब नॉट फाउंड बता रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब फिर से हम कैप्चा डाल कर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर कैप्चा डाले, लॉग इन विथ ओटीपी क्लिक करते हैं। इस तरह से यहाँ पर नॉट फाउंड बता रहा है। दोस्तों अभी ऐप जो है नया अपडेट अभी तुरंत आया था अपडेट, इसलिए हम दोस्तों वीडियो बनाकर जानकारी दे दिए। अब आपको यहाँ पर 24 घंटे का वेट करना है, फिर आपके बाद बेनिफिशियरी यूजर पे क्लिक करके अपना आधार नंबर डालकर ये कैप्चा डाल के लॉग इन विथ ओटीपी कीजिएगा, तो आपका ओटीपी हो जाएगा और लॉग इन भी कर पाएंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका लॉग इन प्रोसेस कैसे है, लॉग इन करने के बाद कौन कौन सा सर्विस है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।